हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन्नास आर्ट इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, मधुबनी पेंटिंग ट्यूटोरियल के 13 डे में मैं गोदना स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग लेकर आई हूँ। रिक्वायर्ड मटेरियल यहाँ मेंशन कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इस मटेरियल को चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पेंटिंग। सबसे पहले बॉर्डर लाइन ड्रॉ करेंगे बॉर्डर बनाने के लिए। ये देखिए, मैं बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सिंपल सा बॉर्डर ड्रॉ करूँगी मैं इसमें। बॉर्डर के मोटिव्स सभी इक्वल साइज़ के हों, इसके लिए मैंने आपसे कई बार ट्रिक शेयर किया है, उसी ट्रिक के आधार पे मैं ये बॉर्डर तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने दोनों कॉर्नर का बीच सेंटर लिया, उसके बाद सेंटर का सेंटर बनाया। इस तरह मैं पॉइंट लेती रही हूँ जब तक मुझे अपने मोटिव के अकॉर्डिंग पॉइंट नहीं मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं जिगजैग पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, जो बहुत ही इजी है और मेरे ट्यूटोरियल में आपको अक्सर देखने मिलेगा। यहाँ मैं छोटे छोटे फ्लावर ड्रॉ करूँगी और उसके बाद ये बॉर्डर तैयार करूँगी। चलिए बॉर्डर तैयार करते हैं हम लोग। मधुबनी पेंटिंग के 5 स्टाइल होते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है, एक ट्यूटोरियल शेयर किया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे ट्यूटोरियल को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उन्हीं 5 स्टाइल में गोदना स्टाइल भी होती है, जो बहुत ही पॉपुलर स्टाइल मानी जाती है। ये सारे मोटिव मैं तैयार करके आपको पूरे बॉर्डर में दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया। अब हम लोग इसमें कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक्रेलिक कलर, आप कोई भी वाटर कलर या पोस्टर कलर ले सकते हैं। ब्रश के लिए मैंने यहाँ पे लिया है राउंड ब्रश 0 नंबर और 2 नंबर का, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्रश ले सकते हैं, वो पॉइंटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मैंने लिया है 250 GSM की सीट, जो A4 साइज़ की है। आप अपने अकॉर्डिंग सीट ले सकते हैं, लेकिन वो 150 GSM से नीचे की नहीं होनी चाहिए। इसके बदले आप हैंडमेड सीट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बॉर्डर लगभग तैयार हो गया है, अब मैं कंपास की सहायता से सर्कल करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने 6 डायमीटर का पहला सर्कल लिया है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर का, उसके बाद 12, 16 एंड 20 सेंटीमीटर का सर्कल लिया है, जो सभी डबल लाइन में है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद सेंटर में मैं 2 फिश मोटिव ड्रॉ करूँगी। गोदना का अर्थ होता है चुभाना, वैसी पेंटिंग जो चुभाकर शरीर पे तैयार की जाती है, शरीर के किसी पार्ट पे तैयार की जाती है, वो गोदना कहलाती है। आजकल इसे टैटू कहा जाता है, प्राचीन काल में इसे गोदना के नाम से जाना जाता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिलांचल प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर से बिलोंग करती है। मिथिलांचल प्रदेश में जो उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, जैसे कायस्थ और ब्राह्मण समाज के लोग रहा करते थे, उसकी महिलाएं ये पेंटिंग बनाया करती थी।
लेकिन मिथिला पेंटिंग को वहाँ के निम्न वर्ग के लोग को भी बहुत पसंद आता था, इसलिए उन्होंने एक नया आर्ट फॉर्म तैयार कर दिया, एक नया स्टाइल, मधुबनी पेंटिंग का एक नया स्टाइल तैयार कर दिया जो गोदना के रूप में काफ़ी प्रचलित हुई। गोदना स्टाइल में वैसे ही मोटिव तैयार किए जाते हैं जो मधुबनी पेंटिंग में तैयार किए जाते हैं, जैसे पशु पक्षी, भगवान, मतलब नेचर से रिलेटेड जितने भी मोटिव होते हैं वो भी गोदना पेंटिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। इसकी बस यही खास बात होती है कि इसे दीवारों पे या अल्पना के रूप में ना तैयार कर इसे शरीर के किसी भाग में तैयार किया जाता है टैटू के रूप में। लेकिन आजकल ये कागज़ पे भी तैयार किए जाने लगे हैं, हैंडमेड सीट पे भी तैयार किए जाने लगे हैं। इसकी एक और ख़ास बात ये होती है कि ये इसके जितने भी मोटिव तैयार किए जाते हैं सभी इक्वल साइज़ के होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी इसकी सुंदरता बढ़ती है, इसलिए काफ़ी मेज़रमेंट के साथ इसे बनाया जाता है। जैसे कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने फिश का मोटिव लिया और मैं लोटस का मोटिव तैयार कर रही हूँ। ये सभी इक्वल साइज़ के हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, तो इसी टाइप से तैयार किए जाते हैं। ये मंडला आर्ट के सिमिलर आर्ट की तरह है। जैसे मंडला आर्ट में भी जितने भी पैटर्न्स ड्रॉ किए जाते हैं वो इक्वल साइज़ के होते हैं, तो इसमें भी इसी बात का ध्यान दिया जाता है कि जो भी पैटर्न्स ड्रॉ किए जाए वो सारे इक्वल साइज़ के हों। यहाँ मैंने सेकंड सर्कल भी तैयार कर लिया। जब भी सर्कल ड्रॉ करें तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि सर्कल डबल लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मधुबनी पेंटिंग के स्टाइल को ही बना रहे हैं, तो वैसा ही पैटर्न्स डालेंगे अगर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं या रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो डबल लाइनिंग देना बिल्कुल ना भूलेंगे। चनी पैटर्न की पेंटिंग लगभग तैयार हो गई है, अब बस कलर करना है हमें। कुछ फाइल करप्ट हो जाने के कारण पूरी पेंटिंग मैं तैयार नहीं दिखा पाई थी, अब हम लोग कलर करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ब्लू कलर मैंने लिया है जो पानी को इंडिकेट करता है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गोदना स्टाइल की मधुबनी पेंटिंग को कलर करना।
जो पेंटिंग मैं ट्यूटोरियल में शेयर करती हूँ आपके साथ बनाती हूँ, वो पेंटिंग आपको मेरे एपी पेज पे मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। मेरे एपी पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ये पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है, इसके अलावा भी और ट्यूटोरियल को आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं इस टाइप की वीडियो अक्सर डालती रहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को हिट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। ये पेंटिंग लगभग मेरी तैयार हो गई है। पेंटिंग तैयार होने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू सो मच गाइस इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। आशा करती हूँ आप मेरे नेक्स्ट जर्नी में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच।